तो ये पेपर टू के अंदर आपका एजुकेशन है तो इंक्लूडिंग स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन जो भी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है ना वो भी पूरा बिल्कुल रटने वाले उस पर है तो अच्छा एडिटोरियल है ठीक है ब्रिंगिंग बैक द फेथ इन दॉ इंडियन पॉलिटिक्स ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेट कर जाएगा चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो एजुकेशन हेल्थ केयर है जी पेपर टू में आते हैं पृथ्वी प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है तो डी पोशन मिशन और जितने भी ये सारे प्रोग्राम्स थे उन सबको कंबाइन कर दिया गया है लगभग पांच हजार करोड़ का ये पृथ्वी प्रोग्राम अभी हाँ लॉन्च हुआ है एक्सक्यूज मी जीडीपी फोरकास्ट एट ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी भी चर्चा करेंगे एंड पॉलीग्राफ टेस्ट वर्सेज नार्को टेस्ट ये न्यूज में है वैसे तो पॉलीग्राफ टेस्ट की चर्चा है लेकिन हमें नार्को टेस्ट क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा एग्जाम परसपेक्टिव से ठीक है लास्ट में मेन आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज आपका लाइव है जो भी आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जाता है उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं एक बार मुझे क्योंकि देखो क्विज पे तो हमें पता चलता है कि हाँ बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे लेकिन आंसर राइटिंग वाला जो आपका है श्योर आई एस एप पे जो कॉम्पोनेंट है क्या आप उसको यूज करते हो नहीं करते हो प्लीज लेट अस नो आई होप कि आप उसे यूज कर रहे होंगे क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ओके कि वहाँ पे एक आंसर अप्रोच मॉडल आंसर या जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स है वो वहाँ पे डाले जा रहे हैं कॉन्टेंट के रिगार्डिंग तो अगर आपके लिए यूजफुल है प्लीज़ लेट अस नो सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस इनिशिएटिव ऑफ आंसर राइटिंग थिंक है ना क्योंकि उसमें वो इनपुट हमारे पास नहीं है वेदर यू आर जैसे एक्सक्यूज मी टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हो नहीं करते हो वो तो है तो ये एक बार बता देना चलिए शुरू करते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास प्लीज लेट मी नो ठीक है और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो आज का क्विज आपने अटेम्प्ट कर लिया दैट्स ग्रेट है ना क्विज में क्या होता है कुछ नए क्वेश्चन होते हैं ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है यूपीएससी uh, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आइडिया आपको लग जाता है कैसे पढ़ना है तो एक बहुत ही मुश्किल से पाँच से दस मिनट का समय आपको लगता है उसी उद्देश्य के साथ उसको ऐड किया गया है तो उसमें ऐसा कोई चार्ज नहीं है ना के लिए फ्री है और अभी इशू टाइमिंग का इशू यही आ रहा है टाइमिंग का इशू भी यही आ रहा है दैट टाइम ऑन सम मेडिकेशन बिकॉज ऑफ दिस एलर्जेटिक ब्रंकाइटिस वट एवर यू से है ना द काइंड ऑफ अस्थेमेटिक कंडीशन तो कोशिश मेरी रहती है यार सुबह उठ के क्लास आठ बजे ही ली जाए है ना क्योंकि अगर नौ बजे होगी तो फिर वो और डिले होगा इसलिए वो टाइमिंग हम चेंज एक्सक्यूज मी नहीं कर रहे हैं एंड मेडिकेशन uh, उनके अपने इफेक्ट हैं तो करते हैं इसको जितना जल्दी होगा है ना तो अभी थोड़ा सा बियर कर लो गेटिंग चलिए पहले uh, ये वाला एडिटोरियल लेंगे दिस इज मच बेटर कॉन्टेंट एंड रेलिवेंस रेलिवेंट तो दोनों ही हैं खैर रेलिवेंट नहीं होता तो हम लेते ही नहीं देखो भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है या फिर हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो एग्जाम का असेसमेंट प्रोसेस है कि बच्चे को कैसे टेस्ट किया जाता है कि उसने जो पढ़ा है है तो ना वो सीखा है नहीं सीखा है तो क्लास में जो पढ़ा है वो उसने लर्न किया है नहीं किया है उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है आपका एग्जाम होता है एग्जाम आप दोगे आपको ग्रेड्स मिलेंगे परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे और पता चलेगा किसी बच्चे के फिफ्टी परसेंट है किसी बच्चे के एट्टी परसेंट है एक्सक्यूज मी किसी बच्चे के नाइन्टी परसेंट है ठीक है उससे हमें पता चलेगा कि हाँ यार फिफ्टी परसेंट वाला बच्चा है उसके कंपैरिजन में एट्टी परसेंट वाले बच्चे की लर्निंग अच्छी है ठीक है सेम काइंड ऑफ प्रोसेस दे आर फॉलोइंग इन द दॉलेजे एटसेट्रा एक जनरल पैटर्न के तौर पर हम बात कर रहे हैं तो फिर जब ये जो सर्टिफिकेट है या फिर जो आपके मार्क्स हैं है ना कॉलेज के अंदर क्या ग्रेडिंग्स हैं क्या मार्क्स हैं ये हैं वो हैं उनको जो एम्प्लॉयर्स uh, हैं है ना जो प्लेसमेंट uh, के लिए जो कंपनियां आ रही हैं ये हैं वो उनको इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं

थाउजेंड प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं फिफ्टी थाउजेंड एफिलियेटेड कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग सेवन हंड्रेड ऑटोनोमस कॉलेजेस और टोटल एनरोलमेंट लगभग लगभग चार करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स का है ये हर साल का डेटा इन्होंने दे रखा है फाइन स्कूल्स की बात करें तो सिक्सटी के आसपास हमारे बोर्ड्स हैं जैसे कई जगह स्टेट बोर्ड होता है कई जगह पर सी है तो सिक्सटी स्कूल बोर्ड्स हैं और 15 मिलियन मतलब डेढ़ करोड़ 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं वो हर साल असेसमेंट ले रहे हैं नदर थिंग इज दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इज लिंक्ड विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स किस तरह का जो सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है उस पे बेस्ड है अब तो दिक्कत ये आ रही है कि एक बच्चा है और ये मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं यार मुझे तो याद है कि हम जब स्कूल में होते थे और स्टेट बोर्ड के अंदर जो मार्क्स होते हैं कंपेरेटिवली कम होते हैं सीबीएसई के अंदर ज़्यादा होते हैं ऐसा यहाँ पे राजस्थान में तो रहता है अलग अलग स्टेट का अलग अलग है अब आप देखोगे ये इन्फ्लेट होता जा रहा है ना नाइन्टी परसेंट एट्टी फाइव परसेंट जो पहले बहुत माने जाते थे आजकल नॉर्मल हो गया है ना आजकल क्या जा रहा है नाइन्टी ये अच्छा माना जा रहा है तो ये इन्फ्लेशन मार्क्स के फॉर्म में ये इन्फ्लेट करता जा रहा है लेकिन क्या बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो स्किल्स उसको एक्वायर करनी है क्या वो उसके प्रोपोर्शनल में जा रही हैं या केवल बच्चे रटके है ना केवल रोट लर्निंग है उसी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन का असेसमेंट सिस्टम ऐसा है कि वो रोट लर्निंग पे ही बेस्ड है जिस बच्चे ने जितना याद करा जिसको जितना रटा हुआ है उस बेसिस पे उसको मार्क्स आ रहे हैं गेटिंग दिस तो टीचर्स भी उसी तरह से पढ़ा रहे हैं इससे कोई फ़ायदा वो है नहीं जितना फायदा होना चाहिए उसको यहाँ पे इन्होंने एक्सक्यूज मैंशन me, किया है फ्रॉम मेमोरी टू अपली एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग ये होना चाहिए ना एग्जामिनेशन सिस्टम स्कूल एजुकेशन इस तरह की एबिलिटीज को टेस्ट किया जाना चाहिए जिसमें मेमोरी वन ऑफ द पार्ट होना चाहिए पार्ट अभी क्या है पूरा का पूरा मेमोरी बेस है पार्ट मेमोरी होना चाहिए क्रिएशन ऑफ द नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी पार्ट होना चाहिए जैसे यू करता है ना यू बहुत अच्छे से प्ले करता है ठीक है इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि यार कोई ऐसी बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के अश्योर हो जाओ कि हाँ इस बुक से सब कुछ आ रहा है है ना <laughs> एक एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा इसकी बात होती है हमेशा बात होती है और वो इसीलिए होती है और अभी क्वालिटी के संदर्भ में मैंने दो दिन पहले चर्चा की थी कि हाँ पहले तो फैक्चुअली आ रहे थे अब कंसेप्चुअल एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की आ रही है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है तो आप एनसीआरटी या जो भी बुक्स हैं उनसे हेल्प लोगे खैर तो वैसे होना यही चाहिए लेकिन Excuse एक्सक्यूज मी आई होप वी कैन abhi late to अभी raha तो हो रहा है लेकिन हो जाए सेशन बस मैं ही चाह रहा हूँ pattern is known, अगर एग्जाम का पैटर्न नॉन है बच्चे को पता है कि हाँ यहाँ ये यह क्या है ये इस तरह से ही पूछते हैं तो so, अभी एग्जामिनेशन पैटर्न known है और यहाँ पे दिक्कत यह है कि मोस्टली मेमोरी बेस्ड है कि आपने जितना रटा है उसी हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना है और वो मार्क्स मिल रही है so तो ये कह रहे हैं कि यार ये चीज़ हमें नहीं चाहिए इस चीज़ को बदलने की जरूरत है डू यू एग्री विद दिस आप कहोगे हाँ सर एग्री तो करते हैं जिस दिन ये चीज़ आ जाएगी उस दिन यूपीएससी क्रैक करना और इजी हो जाएगा क्यों क्योंकि हमारा कॉलेज है या फिर स्कूल सिस्टम है वो मेमोरी बेस्ड लर्निंग पे बेस है इसलिए हमें दिक्कत आती है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ जाती है है ना जहाँ पे मेमोरी के अलावा भी क्योंकि देखो तो प्रॉब्लम्स के अंदर एक तो फ्लैक्चुअल रखने वाली चीज़ें आती है बहुत सारी वो भी है तो आपकी मेमोरी तो टेस्ट कर ही रहा है लेकिन उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट कर रहा है ठीक है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रेशर सिचुएशन में वो टेस्ट कर रहा है आपके रीजनिंग असेसमेंट उसने डाल दिया जी के अंदर तो यही चीज़ ये चाह रहे हैं कि हम उसको रोड लर्निंग से हटा के इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लें आ, क्योंकि हमारा मेमोरी बेस्ड रोड लर्निंग पे पेफिकेशन पे वो ज़्यादा बेस्ड है इसलिए जो टीचर्स हैं है ना वो आ, उसी पे ध्यान देते हैं देखो टीचर्स टू मेमोराइज टीचर एक्सक्यूज मी टीचर्स इन टर्न कोच स्टूडेंट टू मेमोराइज द दस एंड स्कोर मार्क्स गेटिंग दिस क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम यही है और टीचर की तो जिम्मेदारी है जैसा एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसी हिसाब से बच्चों को तैयार करेगा यही तो उसकी जिम्मेदारी है खैर अगर यही चीज स्किल बेस्ड हो जाएगी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हो जाएगी तो यहाँ पे टीचर्स हैं उसी तरह की स्किल्स इंपार्ट करेंगे उसी तरह से बच्चों को ट्रेन करेंगे तो फिर हमें फायदा होगा फाइन एक्सक्यूज मी कल आई फीलिंग बेटर आज वापस से ये इशू है सिक्रेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन आर टू बी गुड हॉल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड सिक्रेसी विदाउट प्रॉपर चेक एंड बैलेंस एंड ऑडिट लीड्स टू स्किंग फाइन जो भी स्कैंडल हो रहे हैं चाहे किसी भी तरह का हो फर्जी डिग्री दे दी है ना इस तरह से फर्जीवाड़ा जो भी चल रहा है तो उस कॉन्टेक्स में कह रहे हैं कि यार ऑडिट का प्रोसेस करा लो ऑडिट का प्रोसेस का क्या मतलब है आपको कुछ स्टैंडर्डाइज जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो कुछ वो देंगे गाइडलाइंस की ये गाइडलाइंस है ये आपको फॉलो करनी है सारे इंस्टीट्यूट्स को कुछ इंस्टीट्यूट्स अभी भी इस तरह से कहते हैं कि हाँ हम सारी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं ये टिक ये टिक लेकिन उसको चेक कौन करेगा कि वाकई में हो क्या रहा है क्योंकि तो अगर आज भी आप देखोगे okay. तो जो एक्चुअल जो क्लासरूम क्लासरूम लर्निंग है उसकी अगर हम बात करें ठीक है अगर हम एक्चुअल क्लासरूम लर्निंग की बात करें विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पार्टिंग द हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल्स हमने गाइडलाइंस दे दी कि अब आपको ऐसा करना है लेकिन एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग के अंदर क्या वो हायर ऑर्डर थिंकिंग या स्किल्स इम्पार्ट की जा रही हैं या केवल किताब में लिखा है वहीं तक आपको सीमित किया गया है तो इन चीजों को चेक करने की जरूरत है इसके लिए एक रेगुलर इफेक्टिव ओवरसाइट की जरूरत है जो आज प्रेजेंट नहीं है तो हमने गाइडलाइंस तो दे दी इंस्टिट्यूट्स ने कह दिया हम कर रहे हैं बट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली ठीक है ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है उसको चेक करना है दैट्स दे आर कि हमें ये ऑडिट प्रोसेस ऑडिट करना पड़ेगा इसको लास्ट में भी इन्होंने मैंशन किया है देखो हमारा क्योंकि एजुकेशन सिस्टम डी है ठीक है तो यहाँ पे कह रहे हैं एंश्योरिंग ए मिनिमम स्टैंडर्ड इज सी एंड प्रोपर ओवरसाइट टेक लीड रोल इन एग्जामिनेशन सिस्टम टू इंश्योर दिसन और इसके लिए ऑडिटिंग जो है वो आपको हेल्प करेगी मतलब चेक करेंगे कि वाकई में आप उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो सर्टिफिकेशन है मतलब नहीं है कि आपने कॉलेज में कितना कौन सी ग्रेड ली है कितने परसेंट मार्क्स है उनका अपना असैसमेंट सिस्टम है वाइ क्योंकि वो इसके ऊपर उनको उस तरीके का भरोसा नहीं है

उस सर्टिफिकेट पे इस टेस्टिंग पे ये खरा नहीं उतर रहा है तो ये कह रहे हैं कि ये अपना खुद का रखते हैं इससे स्टूडेंट को भी नुकसान है और एम्प्लॉयबिलिटी उसकी रिड्यूस हो रही है क्या स्टूडेंट को नुकसान है वो जब ग्रेजुएट होके जाएगा वो देखेगा कि यार मेरा इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है नाउ आई विल हैव टू फाइट दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन है ना तो उसके लिए फिर कोचिंग लो उसके लिए फिर स्किल डेवलप करो और कहीं क्लासेज अटेंड करो तो ये पूरा सिस्टम है तो इसको चेंज क्यों नहीं कर देते हम बच्चे के लिए भी अच्छा है कंपनियों के लिए भी अच्छा है these are elaborate advisories there are uh, advisories by the uh, different uh, regulatory boards etc lekin wo advisories hain regulatory system aapka effective hai nahi to fir wo kaam nahi kar raha hai so what is the way forward yehi keh rahe hain ki transparent oversight model rakho इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज लेकिन जब वो गाइडलाइंस आ गई तो उनको फॉलो करवाइए ये भी आपकी जिम्मेदारी है और उसके लिए क्या कर सकते हो उसके लिए आप यहाँ पे एक ओवरसाइट रख लो ऑडिट करा लो कुछ भी ऐसा कर लो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट मैकेनिज्म है ना वो कुछ हो सकता है जैसे ये कह रहे हैं किसी भी तरह का नेग्लीजेंस होता है फ्रॉड होता है इन एडिकुसी पाई जाती है तो करेक्टिव करक्टिविजर रखो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह ये सब रखो ठीक है बाकी एक ही एक चीज़ को अलग अलग तरीके से रखा है अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे यू विल गेट कन्फ्यूज अलॉट है ना कन्फ्यूज आप हो जाएंगे तो इसमें बस यही ध्यान रखो कि वापस से मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट क्या है ये ये हायर एजुकेशन सिस्टम है उसे रिफॉर्म की बात कर रहा है तो जब आप इसके नोट्स बना रहे हो जीएस पेपर टू में हायर एजुकेशन सिस्टम या केवल एजुकेशन सिस्टम लिखो नीचे जो सब हेडिंग डालनी है एजुकेशन वाला कॉन्टेंट ना वहां पे आपको इसको ऐड करना है हायर एजुकेशन सिस्टम बड़ी हेडिंग डालोगे फाइन उसमें रिफॉर्म की जरूरत लिखोगे तो उसमें आप लिखोगे कि अभी हमारा जो असेसमेंट है है ना स्टूडेंट का जो असेसमेंट प्रोसेस है या जो हमारा एग्जामिनेशन है दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द मेमोरी बेस्ड लर्निंग है ना रटाफिकेशन जिसे कहते हैं उसके ऊपर बेस्ड है जबकि होना क्या चाहिए इट इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन द क्रिटिकल ऑफ नॉलेज मेमोरी टू एप्लीकेशन एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज मेमोरी तक सीमित नहीं होना चाहिए उस मेमोरी का यूज क्या है एप्लीकेशन पार्ट उसका क्रिएशन ठीक है क्रिटिकल थिंकिंग इन सब पे बेस्ड होना चाहिए सो दिस इज वेरी वेरी प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट नाउ वॉट इज हैिंग क्योंकि तो इस तरह से हमारा सिस्टम बेस्ड है तो जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएट होने पे उसकी वैल्यू कितनी है वो यहाँ से पता चल जाता है कि एम्प्लॉयर्स अपना खुद का टेस्ट निकाल रहे हैं ये सारी चीजें सेटिंग दिस और इसलिए आप यहां पे देखोगे तो इसका इफेक्टिव वे क्या हो सकता है इफेक्टिव वे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड यहाँ पे यही हो सकता है कि हम जो है हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है है ना उसके रिगार्डिंग एक क्राइटेरिया बना ले जैसे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं है ना वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग आउटकम फिक्स कर दें कि ये क्लास है इसमें लर्निंग आउटकम ये रहेगा है ना लर्निंग आउटकम इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ मेमोरी थिंग्स तो केवल मेमोरी पे नहीं रह के अलग अलग क्राइटेरिया पे होगा इसको कौन मेंशन करेगा इसको जो भी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो मेंशन करेगी कि यार ये आपका सब्जेक्ट है ना तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये स्किल आपके पास होनी चाहिए ठीक है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका असेसमेंट प्रोसेस ऐसा होगा तो देर आर सम गाइडलाइंस नाउ यू विल हैव टू एंश्योर दैट दीज गाइडलाइंस आर इम्प्लीमेंटेड उसके लिए आप ये ऑडिट प्रोसेस और कुछ भी करवा लीजिए ताकि इनको फॉलो अप किया जा सके नेग्लीजेंसी होने पर ये तो पांच पॉइंट है बस वही लिखो अदरवाइज आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे और इस पूरे एडिटोरियल को उतार लोगे है ना दो पन्ने एक पन्ना भर लोगे खुद से इसको पढ़ने बैठोगे तो पता नहीं कितने पेज भरोगे फाइन तो बस ये पांच पॉइंट लिखो और फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ो ठीक है इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है और कुछ नहीं है इसमें जो नए बच्चे हैं श्योर आई ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस पे काफी सारे डेली बेसिस पे फ्री रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज दिस इज वेरी मच यू कैन से एग्जाम ओरिएंटेड इन द मैनर क्योंकि जो चीज़ यार इतना सब कुछ इतना सारा पढ़ा है है ना आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशियटिव इज दैट कि पहले ही बच्चा इतना बर्डन के अंदर है गेटिंग दिस आप देखे होंगे right. कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं है ना और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे डेली बेसिस पे इस तरह से आता है कि आज न्यूज पेपर में ये दस आर्टिकल है ना ये पढ़ लो हिंदू में ये दस है इंडियन एक्सप्रेस में ये दस है अगर आप इनको देख रहे हो तो फिर आप है ना अपने खुद से न्यूज पढ़ने का जो एक अंदर वो है ना कि हाँ, पढ़ना चाहिए करना वो आप छोड़ देते हो कि यार हैं पढ़ना फिर इनको कवर करना ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है टू गो फॉर द दिस कोचिंग और इट इज या फिर छोड़ दो इसको तो उसकी जरूरत है नहीं है आपको ठीक है अगर आपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लगा लगा के रखा है और आपको मैं ये अशोर करता हूँ अगर आप छह महीने तक पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर पुराने बच्चे इसको एक्नॉलेज करेंगे इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने छह महीने तक न्यूज़पेपर पढ़ा है आपके लिए करंट अफेयर बिल्कुल चुटकी का खेल होगा क्यों होगा क्योंकि करंट अफेयर कंटिन्यूटी में चल रहे हैं एक जो चीज हुई है वो तीन महीने बाद वापस न्यूज में आएंगे किसी अलग तरीके से कॉन्टेक्ट अलग होगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे है ना कॉन्टेक्ट अलग होगा अलग अलग संदर्भ में कभी क्या हो गया कभी क्या हो गया इस तरह से रहेगा फाइन लेकिन उसके कॉन्सेप्ट जो मेजर इश्यूज हैं मेजर मुद्दे हैं वही रहेंगे और हमें तो इश्यू बेस्ड स्टडी ही तो करनी है और प्रॉब्लम्स के लिए रटना है कुछ चीज़ें तो उस तरीके से अगर आप करते हो जो हम इस सेशन में यही करते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर अप्रोच करना आसान है वो इतना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है हालांकि करंट अफेयर चैलेंजिंग है नो डाउट करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है नो no डाउट इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है विदाउट एनी डाउट हर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे इसका इम्पॉर्टेंस है लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कम से कम दो तीन महीने जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन की इस सेशन से आप अटैच रहें ठीक है यू विल गेट टू नो कि यार एग्जाम में क्या पूछता है क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या छोड़ देना है क्या चीजें रिपीटेशन में आ रही हैं तो वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है किस तरह से वैल्यू एडिशन करने की वो सब आपको आपको अपने आप आने लग जाएगा आपको क्या रखना है बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी रखनी है ठीक है तो यही उद्देश्य है हमारे सेशन में यही तो हम करते आए और इसीलिए आपको डेली बेसिस पे प्रॉब्लम और मीन्स की भी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे क्योंकि होता क्या है बच्चा सब कुछ करता रहता है फिर जब उसको आंसर राइटिंग होता ही नहीं है उसने दो साल का फाउंडेशन कर लिया लाखों रुपए खर्च कर दिए देन द स्टूडेंट गेट्स टू रियलाइज कि यार मेन से नहीं हो रहा है या फिर कुछ बच्चों का प्रॉब्लम्स निकल रहा है मेन्स नहीं हो रहा है या फिर दे आर कम्फर्टेबल इन आंसर राइटिंग लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है तो इस कॉम्पोनेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थोड़ा सा मीनस उस कॉम्पोनेंट को इंटीग्रेट कर दो प्रिपरेशन में ठीक है तो वो अच्छा रहेगा तो सिंपल सी चीज़ है यार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डेली बेसिस पे वो कर लो है ना चाहे यहाँ से आप कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो लेकिन करो थोड़ा सा दस से पंद्रह बीस मिनट तक दो ज़्यादा मत दो ज़्यादा फिर वो टेस्ट फॉर्मेट में लेके अलग से उसको रखो आंसर राइटिंग अगर प्रॉपर कर रहे हो तो प्रॉपर करो नहीं तो कम से कम पंद्रह से बीस मिनट कुछ भी लिखो पेपर पे लिखो इसको बिल्कुल रूल बना लो कि आज मुझे आंसर लिखना है तो अच्छी बात है आंसर लिखने का मूड नहीं है तो कुछ भी मुझे लिखना है क्या मेरा मूड है उसी पे एक पिन्ना लिख दो बस वो एक पन्ना लिखना जरूरी है क्योंकि एक तरह की स्किल है और आपका आंसर राइटिंग का फोबिया अपने आप निकल जाएगा वो डर अपने आप निकल जाएगा आज आप ग्रामर के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे है ना जिनकी कॉपी मुझे देख के भी लगता था कि यार इस बच्चे ने क्या लिखा है मतलब कैसे ये आई बनेगा अगर इंग्लिश मीडियम में इसने इस तरह का आंसर लिखा है लिटरली मुझे भी कई बार ऐसा लगा लेकिन उस बच्चे ने ऐसा एक दो नहीं बहुत सारे उदाहरण और उन बच्चों ने कंसिस्टेंसी रखी और आज उनके आंसर इतने स्ट्रक्चर्ड हैं और लैंग्वेज में कोई भारी भारी वर्ड नहीं है बहुत सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड वाली लैंग्वेज है और बहुत अच्छे आंसर्स वो लिख रहे हैं और बहुत कम समय में लिख रहे हैं ठीक है तो वो सब चीजें आप कर सकते हो शुरुआती दौर में इसको मत करो कि हाँ मेरा आंसर कैसा है इसका असेसमेंट कौन करेगा पहले लिखने की आदत डालो फॉर द फिफ्टी डेज मेक श्योर की आप रेगुलर लिख रहे हो ठीक है आपके कोर्सेज लाइव हैं इसी ऐप है पे करंट अफेयर और इकोनॉमी का कोर्स है इकोनॉमी का कोर्स दस तारीख से शुरू हो रहा है द फीस स्ट्रक्चर इज वेरी मच अफोर्डेबल न गो फॉर दीज कोर्सेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसके अलावा और जो आपके फ्रेंड्स है उनसे आप शेयर कर सकते हैं इंडिया की जी डी पी एस्टिमेट जो ग्रोथ है वो बढ़ गई है अच्छी बात है इसमें कुछ टर्म्स यूज हुई है यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दोज आर द कॉन्सेप्टिस पर्टिकुलर आर्टिकल अब ये सेवन पॉइंट थ्री है ना या कितना है उस फैक्ट को याद रखने की बजाय आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टेंड करना है क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ही आ रहा है क्या ये कह रहा है देखो और यहीं से आप मार्क्स कर जाते हो अगर इस तरह से पढ़ रखा है, है वो हो जाएगी वाला जो था, अभी, क्या चल रहा है? अभी चल रहा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर मतलब एंड हो जाएगा फिफ्टी फर्स्ट मार्च को ये एंड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वाला इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो ग्रोथ है जीडीपी ग्रोथ रेट हम कह रहे हैं सेवन पॉइंट थ्री परसेंट होगी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो थी वो सेवन पॉइंट टू परसेंट थी तो जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे प्रेशर बना हुआ है है ना रिसेशनरी प्रेशर है इन्फ्लेशनरी प्रेशर है हर तरह से वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है ठीक है तो ये इन्होंने एक एडवांस एस्टिमेट दिया है और किसका एस्टिमेट दिया है रियल जी का तो ये रियल जी और नॉमिनल जी में डिफरेंस ध्यान रखिएगा नॉमिनल जी ठीक है नॉमिनल जी होती है मतलब जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में उसको आज क्या प्राइस है उस पर हम निकाल रहे हैं तो वो हो गई नॉमिनल जी जैसे मैं कहता हूँ दस मैगी के पैकेट हैं है ये ना ये टोटल प्रोडक्शन है किसी भी इकोनॉमी का पंद्रह रुपये एक मैगी के पैकेट की प्राइस आज है तो ये नॉमिनल जी हो गई मतलब वन फिफ्टी हो गई लेकिन अगर मैं बेस ईयर मान लूँ कि टू थाउजेंड इलेवन ट ये मेरा बेस ईयर है इसमें उसकी प्राइस क्या थी तो दस रुपये एक मैगी की पैकेट की प्राइस थी तो दस पैकेट दस रुपए के हैं तो ये हो गया हंड्रेड ठीक है तो ये, करके मैं निकालूंगा, तो ये निकलता है जीडीपी डिफ्लेटर इससे पता चलेगा कि चीजें टाइम्स महंगी हो गई हैं ठीक है तो रियल जीडीपी ही हम एनालिसिस में कम्पेरिजन के लिए लेते हैं इसको हमेशा ध्यान रखना क्यों क्योंकि वही रियल असेसमेंट देगा नॉमिनल जीडीपी में तो महंगाई बढ़ गई तो जी फिगर भी इन्फ्लेट कर जाएगा वो रियल असेसमेंट नहीं है तो हमें ये रियल जीडीपी फिगर दे रहा है दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है दूसरा पॉइंट है जीडीपी कैलकुलेशन में एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा देखो जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है ना इसी चैनल पे एनसीईआरटी की क्लास पढ़ी हुई है उन क्लासेस को जरूर से देख लेना ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की या फिर ऐप पे हैं अभी लास्ट के दो चैप्टर आपके बच रहे हैं बाकी ऐप पे भी क्लासेज हैं वहाँ भी समझा रखा है अब इसमें ये क्या कह रहा है ये कह रहा है देखो जी का हम कैलकुलेशन करते हैं ना जी मतलब टोटल जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केट वैल्यू जी है एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालते हैं कि जितने भी लोग हैं जैसे प्राइवेट हमारा कंजम्पन है ना हम कितना खर्चा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है कंपनियां मशीनरी वगैरह पे कितना खर्चा कर रही हैं उससे भी जीडीपी निकलता है तो उसमें एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है प्राइवेट कंजम्पन का कंजम्पन एक्सपेंडिचर तो I think we are back. Am I audible? Am I audible, guys? Yeah. So there was some disruption because of some power cut and all. चलिए आई होप वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन एंड कंप्लीट दिस क्योंकि दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ऑलरेडी हमारे हो गए चलिए इंडियन इकोनॉमी पे हम चर्चा कर रहे थे और आई वाज एक्सप्लेनिंग कि हाँ एक्सपेंडिचर मेथड से जो जीडीपी निकालते हैं उसमें चार कंपोनेंट होते हैं तो सबसे जो मेजर कंपोनेंट है ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट उसका वेटेज रहता है एक बार सब ओके okay है तो मुझे थम्सअप कर देना आई was ट्राइंग टू शिफ्ट ऑन द pen टैब है ना क्योंकि सिस्टम ये आपके जो स्टूडियो लाइट्स हैं ये ऑफ कर गई थी सो आई ट्राइड कि हाँ pen tab शिफ्ट करते हैं और सेशन कंटिन्यू लेते हैं लेकिन वापस से ये सिस्टम ऑन हो गया तो ठीक है अभी सो वट आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि हाँ है ना तो अभी इसमें ये कह रहे हैं कि यार डेटा अच्छा है चलो हमारी सेवन पॉइंट थ्री लास्ट ईयर से बढ़ गई लेकिन ये ये क्या कह रहे हैं लास्ट में ये जो पॉइंट है ये रेस कर रहा है कंसर्न क्या कंसर्न मतलब एक चिंता का विषय है क्या है कि हमारा जो प्राइवेट फाइनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर है मतलब हम जीडीपी को जो निकालते हैं एक तो हो गई टोटल जो प्रोडक्शन है उसका मार्केट वैल्यू ये तो हो गया वैल्यू एडिशन मेथड एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है जिसमें जो कंजम्पन एक्सपेंडिचर है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है प्लस सरकार का जो खर्चा है ना एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है इन सब का नेट निकाल रहे हैं मतलब जितने भी जो प्लेयर्स हैं जो खर्चा कर रहे हैं है ना वो एक्सपेंडिचर जो कंपनियों को रिसीव करता है वो भी हमें जीडीपी का ही डेटा देता है तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सी वाला है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सबसे बड़ा कॉम्पोनेट है पचास से ज्यादा अकेला है तो ये पहले कितना था ये फिफ्टी था फिफ्टी था कब था लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में मतलब टू थाउजेंड में ये फिफ्टी एट था अब ये कम हो गया है 56.9 परसेंट पे आ गया सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि अगर ये कम हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी तो कंपनियाँ जो हैं है ना तो किसको बेचेगी मान लो कार बनाने वाली कंपनियां डिमांड ही नहीं है कार की तो फिर वो प्रोडक्शन क्यों करेगी प्रोडक्शन उसको कट करना पड़ेगा प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा तो उसके वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जॉब जा सकती है कम वर्कर्स की जरूरत होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा और प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू ही तो जीडीपी है टोटल प्रोडक्शन जब कम होगा तो आपकी जीडीपी भी कम होगी तो ये कह रहे हैं यार आने वाले समय में थोड़ा सा चिंता का विषय है इसको भी हमें देखना चाहिए कि क्यों ये कम है Fine. आ गया समझ में सो so, ये हो गया सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है थर्ड पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है वीक कंजम्पशन ग्रोथ ये तो मैंने बता ही दिया आपको फाइन की पेंडेमिक और ये देखो ये कोई छोटी मोटी कंजम्पशन ग्रोथ कम नहीं हो रही है पिछले बीस साल में कोरोना वाला साल हटा दो वो एक एक्सेप्शन है बाकी इन द लास्ट टू डिकेट सबसे कम हमारा ये क्या है कंजम्पशन ग्रोथ आपकी है तो सबसे कम अगर कंजम्पशन ग्रोथ यहाँ पे है मतलब जीडीपी का ऐसा कोई मान लो सेना लड़ाई करने जा रही है ठीक है कोई आर्मी है कोई युद्ध हो रहा है लड़ाई करने जा रहे हैं और उनका जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो uh, एक सेक्शन है, वही कॉम्प्रोमाइज हो जाए जो सिक्सटी स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है वो तो मामला हिल सकता है ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ से क्या देखना है आपको इस न्यूज से एनएसओ जो कि रेस्पॉन्सिबल है सारा डेटा वगैरह एनएसओ की तरफ से आता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस एक्सपेक्ट ग्रोथ इन द ग्रोथ वैल्यू एडिशन इन द इकोमी टू स्लाइटली फ्रॉम सिक्स टू सिक्स नॉमिनल ग्रोथ को इन्होंने पैक किया देखो एक और कंसर्न वाली स्थिति में बताता हूँ एग्रीकल्चर पे जो हमारी ग्रोथ रेट है ना ग्रोथ वैल्यू एडिशन पे वो कम है क्या हो गया है पिछले साल हमारा जो ग्रोथ वैल्यू एडिशन था ग्रोथ वैल्यू एडिशन मतलब नेट कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रोथ वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है नेट कॉन्ट्रीब्यूशन कोई भी कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसे एग्रीकल्चर का नेट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है जब उसको टैक्स और सब्सिडी के लिए एडजस्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ग्रोथ वैल्यू एडिशन से वो मार्केट प्राइस पे चीज़ें मिल जाएंगी आ गया समझ में जो जीडीपी अगर हम चाह रहे हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन से निकालना तो ग्रोस वैल्यू एडिशन को जब हम एडजस्ट कर देते हैं मार्केट प्राइस वो टैक्स और सब्सिडी के लिए तो हमें जीडीपी मिल जाता है राइट तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी कम है क्योंकि ये चार था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अभी वन है तो यार पिछले साल तो बहुत सही चल रहा था मामला अभी ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर का डाउन गया है एग्रीकल्चर में चार ग्रोथ रेट बहुत बहुत अच्छी मानी जाती है तो लास्ट ईयर हमने अचीव किया अभी ये बिल्कुल आधा हो गया है तो दीज आर समिकेटर्स दैट यू शुड नो क्योंकि दीज आर समू शुड नो अगर आपने स्टेटिक पोर्शन पढ़ाया तो ये चीज़ें आपके लिए एबीसीडी हैं आपको पता होना चाहिए और इनसे क्वेश्चन भी खूब आते हैं भारत सरकार ने आज हिंदू में देखेंगे न्यूज़ वाला जो कॉम्पोनेंट है उसके तो पास सैटरडे है सटरडे को आपका टैक्स कॉन्टैक्स वाले पेजेस नहीं होते हैं ठीक है एडिटोरियल का एक पेज गायब रहता है कंटेंट बहुत लिमिटेड होता है खैर तो वही न्यूज वाला जो पेज है उस पृथ्वी प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया ये क्या है पृथ्वी प्रोग्राम देखो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं जैसे डी पोषण मिशन है ये डी पोषण मिशन हमने पढ़ा था याद आ रहा है आपको डी पोषण मिशन वी रिमेंबर दिस ये सबमरीन इंडिया का समुद्रयान लॉन्च होगा ये सारी चीजें नवंबर में हमने पढ़ाई थी आपको ठीक है नवंबर में हमने चर्चा की थी कि भारत का जो डी पोषण मिशन है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पूरे साल के करंट अफेयर में वेरी इंपॉर्टेंट डी पोशन मिशन डी है या मेन्स है इस पर पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ठीक तो है पढ़ा था ना तो इस तरह से अलग अलग मिशन है अकॉर्डिंग टू दिंदू फाइव सब्ज्यूम फाइव ऐसे मिशन है कोई किसी परपज के लिए है कोई वेदर uh, फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग हो गया कोई ओशन के रिगार्डिंग हो गया है ना कोई क्रायोस्फियर है आइस वगैरह का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग हो गया जियो स्पियर है अर्थ का तो ये कह रहा है कि अलग अलग ये जो मिशन है भारत सरकार के भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया उसको नाम दिया पृथ्वी उसके अंतर्गत ये सारे मिशन सब्ज्यूम कर दिए गए हैं एक ही प्रोग्राम के अंडर में वॉट आर द पर्पज ये जो रेड में लिखा हुआ है ना ये जो रेड में मार्क किया है ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्यों नाउ अब आपको कन्फ्यूज करने के लिए कॉन्टेंट यूपीएससी को बहुत मिल गया प्रॉब्लम में लिखेगा कि हाँ भारत सरकार ने ये ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ये क्या क्या करेगा है ना तो वो तीन चार ऑप्शन देगा फिर उनमें से वन टू ये करके घुमाएगा आपको गेटिंग दिस तो उस परस्पेक्टिव से ये प्रोग्राम क्या अचीव करना चाह रहा है अर्थ प्रोग्राम जो है इसमें देखो सारी चीजें आ गई एटमोस्फियर इसमें आ गया ओशन इसमें आ गए जियोस्फियर इसमें आ गया ओके इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रायोस्फियर इसमें आ गया जो भी आइस से कवर्ड एरियाज हैं

मेजर जो पॉइंट हैं यहाँ से निकाल देना मेजर पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं चाहे वो अर्थ की बात हो है ना सॉलिड अर्थ की बात कर रहे हैं या ओशन की बात कर रहे हैं एटमोस्फियर की बात करें क्रायोस्फियर की बात करें हर जगह पे किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रडिक्शन है स्टडी हो गई मॉडल बिल्डिंग है है ना उस चीज़ को पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करना उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट करना वो सारी चीजें यहाँ पे इस अर्थ प्रोग्राम में ठीक है अब वो ऑप्शन को कैसे भी घुमाता है तीन देता है चार देता है पांच ऑप्शन देता है आपके लिए दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझ लिया कि इसने जो भी चीजें रिलेटेड थी सबको एक साथ इकट्ठा करके ये दे दिया मेजर कॉम्पोनेट ऑफ द मिनिस्ट्री जो डी पोषण मिशन है जैसे गगनयान की हम बात कर रहे हैं ना गगनयान लॉन्च होगा इस साल ये सब इसी तरह से ओशन के अंदर जो सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का वो है डी पोषण मिशन तो डी पोषण मिशन को भी इस पृथ्वी वाले प्रोग्राम में सब्ज्यूम कर दिया डी पोषण मिशन आपको पढ़ा रखा है एक नवंबर की क्लास है इसी चैनल पे है उसको डिटेल में देख लेना लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार क्या है डीप ओशन मिशन के छह मेजर कॉम्पोनेट है छह के छह बिल्कुल रट लो इनको ठीक है कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व है जैसे ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो ये क्या कह रहा है भारत का जो डीप ओशन मिशन है क्या कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग हम डीप सी माइनिंग करेंगे और मैंड सबमर्सिबल बनाएंगे जो पंडू भी है जो इंसानों को नीचे लेके जा सके उसकी भी चर्चा कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य से भारत ने ये समुद्रयान इंडिया का फर्स्ट मैंड ओशन मिशन इसको लॉन्च दिया है इसको नाम क्या रखा है मत्स्य दिस इज द नेम ठीक है इससे पहले अगर आप देखोगे यूएस रशिया चाइना फ्रांस जापान इन्होंने ऑलरेडी ये डी पोशन क्रूड मिशन भेजे हुए हैं जैसे इंसानों को स्पेस में भेजते हैं ना वैसे हम चाह रहे हैं कि ह्यूमन बींग जो है इंडियंस जो है डी पोशन में जाए फाइन तो उस पर्पज के लिए हमने बनाया सिक्स थाउजेंड मीटर की डेफ तक जाएगी दिस तो इज ह्यूज यार बहुत गहरी डेफ तक ये जा रही है तो अच्छी बात है है ना तो हो गया फर्स्ट कॉम्पोनेट ब्लू इकोनॉमी प्रायोरिटी एरिया है ब्लू इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो ओशन पे डिपेंडेंट है अब ओशन पे क्या क्या डिपेंडेंट है अभी तो आपने देखा होगा पिक्चर्स अगर आप प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं उनका ट्विटर हैंडल या फिर न्यूज अगर आपने देखी होगी तो उनकी वायरल हुई है पिक्चर्स वीडियोज या वायरल हुए हैं जहाँ पे वो लक्षद्वीप में घूम रहे हैं फाइन लक्षद्वीप की उनको लेके और प्राइम मिनिस्टर तो यार इतने बिजी पर्सन हैं ठीक है कि ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रेक तो लेते ही नहीं है है ना छुट्टी का तो नाम ही नहीं है और इस एज में इतना फिट होना दिस 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 इज इज अगेन अ काइंड ऑफ ह्यूज यार गेटिंग दिस। आ, तो उससे एक माना जा रहा है कि उसको जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स में भी देखा जा रहा है क्योंकि देखो इंडिया से लगभग बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो मालदीव में जाते हैं मालदीव की कहानी हमें पता है कि वहां पे जब से मोहम्मद मुजू ने प्रेसिडेंट का पद संभाला है है ना सबसे एंटी इंडिया स्टैंड लेना शुरू किया है क्योंकि उनका प्रो चाइना इंक्लिनेशन है चाइना की तरफ उनका इंक्लिनेशन है भारत को नुकसान पहुँचाने की थोड़ी सी ये है मतलब इंडिया के फेवर में नहीं जा रही है चीज़ें तो यहाँ पे वो देख रहे हैं कि यार जब लगभग लग 10 से 10 टू 12 परसेंट जो टूरिस्ट वहाँ जाता है उसमें से जितना भी टूरिस्ट जाता है 10 टू 12 परसेंट टूरिज्म इंडिया का है तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आप जिस चीज के लिए मालदीव जा रहे हो ठीक है वो इंडिया में भी है सो वाई नॉट टू लुक हमारे खुद ही की तरफ हम देख लें वहाँ पे जाने से पहले तो थोड़ा सा वो एक मैसेजिंग है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद उनसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा वो जो लक्ष्यदीप का वो एक तरह का एड ही मान लो कि इतना उसको क्योंकि आप देखोगे लक्ष्यदीप को बहुत ज़्यादा सर्च किया गया अब वहाँ पर टूरिज़्म बहुत तेजी से बढ़ेगा फॉर श्योर ये मान के चलिए तो ये मैसेजेस हैं फाइन खैर तो ब्लू इकोनॉमी में टूरिज्म भी एक पार्ट है रिन्यूएबल एनर्जी भी पार्ट है ट्रेड भी एक पार्ट है रिसाइकलिंग ऑफ द कॉम्पोनेंट दिस इज अगेन वन ऑफ द पार्ट फिशरीज हो गया मेरी ट्रांसपोर्ट है वेस्ट मैनेजमेंट है सब ब्लू इकनॉमी के पार्ट है तो so, भारत चाह रहा है ब्लू इकोमी से हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथ भी मिले ठीक है जैसे आज डिजिटल इकोनॉमी स्ट्रेंथ दे रही है तो डिजिटल इकोमी पे तो यूपीएससी ने पूछ लिया क्वेश्चन मेंस में हो सकता है आपको ब्लू इकोमी पे क्वेश्चन पिक करे क्योंकि लगभग लग तीन साल से लगातार इस पर बहुत ज्यादा चर्चा है ये डेफिनेशन दे रखा है वर्ल्ड बैंक का है ये, ये पूरी स्लाइड हमने वर्ल्ड बैंक से उठाई है दिस इज द डेफिनेशन हियर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इसको देख लेना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं एक नवंबर को डिस्कस किया हुआ है आप चाहें तो और उसको देख लीजिएगा एक बार ब्रीफ ही कर रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज देंगे एडवाइजरी सर्विसेज का इंपॉर्टेंस आपको पता है जैसे मान लीजिए कोई भी सुनामी रिलेटेड एडवाइजरीज हो गई साइक्लोन रिलेटेड एडवाइजरीज हैं ठीक है और उससे फिशरमैन हैं फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट वेरिएबल सीजनल डिकेडेल एक्सप्रा ये सारी चीज़ें वो करेंगे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा भैया इस टाइम पे मत आओ इस टाइम पे थोड़ा साइक्लोन वाइक्लोन की संभावना है तो थोड़ा अवॉइड करो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करने के लिए करेंगे सर्वे एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग भी डीप सी ओशन के अंदर आपके ये प्रायोरिटी एरियाज रखे गए हैं एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन ओटेक uh, जो है ऑफर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन तो इसके माध्यम से हम डिसनाइजेशन प्लांट को कर रहे हैं देखो डिस प्लांट जो होते हैं समुद्र का पानी होता है उसमें सलाइन कंटेंट मतलब सेलिनिटी ज्यादा है हम पी नहीं सकते किडनीज खराब हो जाएंगी प्यास भी नहीं बुझेगी हमें उससे फ्रेश वाटर बनाना है क्योंकि आज फ्रेश वाटर का क्राइसिस है लेकिन उसके लिए एनर्जी चाहिए तो ये कह रहे हैं कि एनर्जी हम यहीं से निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे अगर आप देखोगे ओशन जो वाटर होता है टॉप लेयर जो है ओशन का जो ऊपर वाला एयर है वहां पे सनलाइट डायरेक्ट आ रही है तो उस ऊपर वाले एरिया के अंदर टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा ठीक है यू हैव दिस ओशन वाला ये वाला जो टॉप रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर आपके ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू द लोअर एरिया ठीक है तो वो जो थर्मल डिफरेंस आएगा उसको हम हार्डनेस करके एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन एनर्जी क्रिएशन कर सकते हैं एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी दिस इज द सिक्स्थ कंपोनेंट तो यू मस्ट नो दीज हेडिंग्स जो हाईलाइट की हुई है ना छः पॉइंट आप लिख लो इनको याद रखिए कभी भी क्वेश्चन आता है ऐसे की छाप अच्छा दो क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी है फाइन इस पर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्री के मार्क्स होते हैं ये इन जनरल आ गया समझ में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है लगभग दस इंस्टीट्यूशन हैं जिनको भारत सरकार जो है इस पृथ्वी मिशन के अंतर्गत ला रही है आई वुड रिकमेंड प्लीज गो थ्रू एटलीस्ट वंस है ना रट्टा नहीं मारना है बट एक बार गो थ्रू हो लेना और फिर जब प्रॉब्लम्स आता है तब भी एक दो बार इससे गो थ्रू हो लेना यू डोंट नीड टू मग अप द नेम ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन जस्ट मेक श्योर इफ देर इज अ क्वेश्चन बिकॉज यूपीएससी इज डूइंग दिस अनप्रडिक्टेबल थिंक तो अगर वो क्वेश्चन आता है जो बहुत डिफिकल्ट होगा एक तरह से अनडूएबल लिस्ट में होगा स्टिल यू कैन मैनेज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस ठीक है और ये वाले जो इंस्टीट्यूशन की लिस्ट है रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि अननेसेसरी प्रिपरेशन कॉम्पलेक्स होगी उसकी जरूरत नहीं है ये जो इंस्टीट्यूशन की लिस्ट है कहीं ना कहीं ये जो, जो काम हमने लिखा है इस प्रोग्राम के जो एम्स ऑब्जेक्टिव है उससे मैच करती हुई दिखेगी इसके साथ भारत सरकार जो है मॉरिशस के साथ भी एक यहाँ पे एग्रीमेंट फाइन किया है और उसमें स्मॉल सेटेलाइट जो है इसके लिए लॉन्च कर रहा है ठीक है नथिंग बिग इज देयर आगे आ जाते हैं फाइव ऑफ दिक्सूज इन द पार्लियामेंट ये आज हिंदू में आपको न्यूज देखने को मिलेगी कि ये नोट नोट मिल गया है give note to undergo the polygraph test, है गिव टू द पॉलीग्राफ ना तो जो छह थे पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उनमें से पांच ने क्या दे दिया है अपनी स्वीकृति दे दी है खुद की परमिशन दे दी है कि हाँ हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो मूवीज में आपने देखा होगा पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है आपको आपका जो है पैरामीटर्स जैसे आपकी पल्स रेट है आपका बीपी है ये चेक किया जाएगा फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अच्छा आपका नाम क्या है आप कहाँ रहते हो ठीक है आप क्या करते हो जो भी चीज़ें नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर वो पल्स रेट और वो सब मीजर करेंगे है ना तो जब आप सच बोल रहे हो तो वो नॉर्मल चलेगा जैसे ही कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो पल्स रेट और उसमें तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो एक प्रिंसिपल है किसका प्रिंसिपल है पॉलीग्राफ टेस्ट का जहाँ पे जो अक्यूज है उनके फिजियोलॉजिकल जो इंडिकेटर्स हैं उनको अकाउंट में लिया जाता है ब्लड प्रेशर वगैरह इसके आधार पर वो होता है क्या पॉलीग्राफ टेस्ट हमेशा सही होता है नहीं हमेशा सही नहीं होगा कुछ लोग इतने ज़्यादा अडेप्ट हैं अगर कोई योगा मेडिटेशन कर रहा है तो वो तो अपना बिल्कुल योगा मेडिटेशन नहीं भी करो ना तो हमेशा ध्यान रखो कभी आपको होता है ना कि यार बहुत एकदम से अच्छा फील नहीं हो रहा डीप ब्रीदिंग करो है ना डीप ब्रीदिंग करो डीप ब्रीदिंग का मतलब सही तरीका क्या है ब्रीदिंग का आपको पेट जो है जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो बैली है ना वो बाहर आनी चाहिए जैसे बच्चा करता है ना वो सही तरीका है लेकिन हम क्या करते हैं चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं शेलो ब्रीदिंग करते हैं आपका जो बैली है वो बाहर आना चाहिए जब आप इनहेल कर रहे हो ठीक है पेट अंदर जाना चाहिए जब एक्सेल कर रहे हो तो स्लो ब्रीदिंग आप जब आप करोगे तो आप अपनी पल्स रेट को पाओगे विद इन वन मिनट आपकी पल्स रेट डाउन होना शुरू हो जाएगी जो लोग थोड़ा योगा प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं वो तो अपने आप कर सकते हैं ना आप अपनी पल्स रेट को कंट्रोल कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बस अपनी ब्रीदिंग को स्लो करो आपकी पल्स रेट आपके हाथ में पल्स रेट डाउन होना शुरू होगा क्यों क्योंकि डीप ब्रीदिंग से क्या होता है आपका सिस्टम काम होता है हमारा जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है बॉडी रिलैक्स होती है और आपकी पल्स रेट डाउन करना शुरू करती है ठीक है आप उसको सेवनटी टू होता है ना जनरली कई बार हम भागते हैं दौड़ते तो हैं टेंशन में तो वो सो क्रॉस कर जाता है तो वैसे अग रिलेक्स रहोगे तो सेवनटी टू से नीचे आएगा इट कुड कुटी फाइव सिक्सटी इवन फिफ्टी फाइव तक भी आप उसको ले सकते हैं खैर है? तो कहने का मतलब है यार पॉलीग्राफ टेस्ट ये है हमेशा सही नहीं होता है इससे एक अच्छा तरीका क्या है अच्छा तरीका है बीईओएसपी। ओ एस पी ये क्या है ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग ठीक है इसको कहते हैं एक तरह की ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग ये क्या करता है जैसे आपने देखा होगा ना ई नाम सुना होगा ठीक है जो हमारी रेट है उसको स्टडी किया जाता है ईसी की जाती है कई बार इसी तरह से इलेक्ट्रो एनसीफिलोग्राम होता है जो ब्रेन की एक तरह की ईसीजी है ब्रेन सिग्नल को स्टडी कर रहा है तो अगेन जब इस तरह के क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे उस अक्यूज से तो उसके ब्रेन के अंदर उठने वाले जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको स्टडी करेगा ये बी ईओ एस पी जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है ठीक है वो ब्रेन का रेस्पॉन्स स्टडी करेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो एनसिफिलोग्राम अंडर दिस टेस्ट द कंसेंट ऑफ द इज फर्स्ट टेकन और फिर वो इलेक्ट्रॉन दो ऐसे लगा के और फिर उसको स्टडी करते हैं खैर ये ज्यादा क्रेडिबल है इन कंपैरिजन टू पॉलीग्राफ टेस्ट तो इनका तो हम पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हैं यहीं पे खत्म हो गया लेकिन हमें अपने कवरेज को यहाँ पे खत्म नहीं करना है न्यूज तो चलो पॉलीग्राफ टेस्ट की चर्चा चल रही है यहाँ खत्म हो गई ठीक है लेकिन हमें पॉलीग्राफ टेस्ट के अलावा ये ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग या बी एस पी पता होना चाहिए हाउ बोथ ऑफ दीज टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द दार्को टेस्ट नार्को टेस्ट याद आ रहा है उससे कैसे अलग है तो नार्को टेस्ट में क्या होगा नार्को एनालिसिस में एक ड्रग होती है सोडियम फ्लापेंटल Uh, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है इसको ट्रूथ सीरम भी नाम देते हैं तो एक तरह का केमिकल है सोडियम पेंटोथेल या फिर सोडियम थायोपेंटेल ये फास्ट एक्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थेटिक है जो एक तरह का सीडेशन करता है जैसे आपने देखा होगा ना ऐसा ऐसा वो पेंडुलम वो करके और हिप्नोसिस करते हैं हिप्नोसिस करते हैं ठीक है मूवीज में देखा होगा असली में पता नहीं होता है नहीं होता लेकिन वो क्रिएट करते हैं सो समथिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर जहाँ पे आपकी जो इमेजिनेशन है ये न्यूट्रलाइज हो जाती है है ना एक हिप्नोटिक सीडेटेड स्टेट में आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो भी एक्यूज है वो आ जाता है उसको आपने इंजेक्शन दिया और वो इसी स्टेट में आ गया कि वो अपने मन से कुछ नहीं बना सकता जो सच है वो वही बोल देगा तो ये होता है नार्को टेस्ट फाइन और सोडियम थायोपेंटल है इसको ट्रुथ सिरम भी कहते हैं कई जगह पे और काफी सारे सब्सटेंस यूज होते हैं बट यू मस्ट नो यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम सोडियम थायोपेंटल या सोडियम पेंटोथल इसका नाम याद रखना है क्या ये टेस्ट जो है एविडेंस के रूप में एडमिट किए जा सकते हैं अब ये आ गया क्वेश्चन पॉलिटिक्स का अभी तक तो पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का आ गया right अभी तक तो साइंस एंड टेक चल रहा था अब यहाँ पे क्या इनको एडमिट किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2010 का सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कैन नॉट बी फोर्स अपॉन एनी इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसेंट एंड टेस्ट रिजल्ट कैन नॉट बी एडमिटेड सोलरली एज एडमिट एविडेंस केवल अगर इसी को आधार बना के एविडेंस दे दिया तो नहीं मानेंगे हाँ इसको अगर सपोर्ट में दिया है बहुत सारे और एविडेंसेज हैं इसको सपोर्ट में लगा के दे दिया तो मान लेंगे लेकिन उसकी परमिशन के बिना नहीं करोगे विदाउट देयर कंसेंट तो कंसेंट ली गई है इसलिए आज अगर आप न्यूज देखोगे तो यहाँ पे यही न्यूज है कि इन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है पांच लोगों ने तो उनपे ये कर रहे हैं सो दैट्स ऑल ठीक है आपका जो एक एडिटोरियल बचा हुआ है क्योंकि कल संडे एडिटोरियल होगा नहीं तो उसको कल ऐड करेंगे जो आपका सिविल सोसाइटी वाला एडिटोरियल बचा था ना जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था नहीं कर पाए थे उसको हम कल ऐड करेंगे क्योंकि कल संडे को एडिटोरियल नहीं होगा तो वो जो हमारा बच रहा है एडिटोरियल उसको हम कवर कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है है ना तो टुमारो इन टूमारोज क्लास विल बी कवरिंग दैट आंसर राइटिंग क्वेश्चन है आपका क्रेडिबल एग्जामिनेशन सिस्टम क्रेडिबल एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ़ द की वेज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इलाबोरेट करना है इलाबोरेशन का मतलब है इसी को इसी स्टेटमेंट को आपको बढ़ा चढ़ा के विस्तार में बताना है समझाना है एग्जाम्पल देके बताना है कि हाँ यार आज हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे क्यों क्वेश्चन है ना इस तरह से उस पर प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम को बताइए और फिर वहाँ पर क्या सोल्यूशन है वो बताइए कल आपको एक क्वेश्चन दिया था रूरल डेवलपमेंट का था जिसपे था Uh, कल जो क्वेश्चन था आई थिंक रूरल डेवलपमेंट पे था कल दिया था या परसों दिया था एक रूरल डेवलपमेंट पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था आपको ठीक है उसका अगर आप श्योर आई एस एप पे जाके देखेंगे ये जो आंसर राइटिंग वाला है उसमें एक आंसर के रिगार्डिंग आपको कॉन्टेंट फिर मॉडल आंसर के रूप में भी वो कॉन्टेंट हेल्प के लिए दिया जाता है उसमें आप देखोगे देखो, देखो दस मार्क का क्वेश्चन है है ना उसमें जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं वो लगभग बारह तेरह पॉइंट्स वहां पे मेंशन है और अलग से कंक्लूजन भी लिखा हुआ है दो तीन लाइन में ठीक है अगर दस मार्क का क्वेश्चन है आपने दस पॉइंट लिखे हैं मतलब आप एग्जाम और रेलेवेंट हैं पॉइंट ये ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं मन में आ रहा है जो लिख दिया सबसे बड़ी गलती जो आंसर राइटिंग में बच्चे करते हैं और जो मैं पाता हूँ बच्चा वो लिखता है जो उसको आता है जो तो क्वेश्चन में पूछा है लिखना वो है तो उसके लिए प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को दो बार पढ़ो ठीक है वो लिखिए जो पूछा गया है वो नहीं जो आपको आता है कि रूरल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ चलो छापना शुरू कर दी आप देखोगे कि आपने वहां पे दस से बारह पॉइंट लिख दिए दस नंबर के क्वेश्चन में रेलिवेंट पॉइंट है इट मीन यू आर फोर्सिंग द एग्जाम एग्जामिनर टू गिव यू द मार्क्स आप उसको फोर्स कर रहे हो कि भैया तेरे को नंबर देना ही पड़ेगा गेटिंग दिस की आपको यहाँ पे नंबर देना ही है क्योंकि मैंने जो चीज़ें हैं वो लिख दी क्या छोड़ा है मैंने इंट्रोडक्शन की जगह इंट्रोडक्शन लिख दिया ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है हाँ तीन लाइन का भी होगा चलेगा ठीक है क्या रूरल डेवलपमेंट होता है वो लिख दिया कंक्लूजन के अंदर कंक्लूजन आपने लिख दिया पॉइंट तो फॉर्मेट आपको हेल्प कर देता है काफी ज्यादा देखो कमेंट बॉक्स में यार आप ना, आपको रेलिवेंट लगे ना तो कमेंट बॉक्स खोल लिया करो आपके पास खुद के पास ऑप्शन होता है वो कमेंट बॉक्स को बंद करने का तो अगर आप रियली really में सीरियस हो अगर अच्छे से तैयारी करना ही चाह रहे हो तो उसको बंद करके बैठो अपनी तैयारी पे ध्यान दो क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो रेलिवेंट अगर आपके लिए जेन्यून कोई डाउट है कुछ है जो आपको पूछना है फिर कमेंट बैक बॉक्स आप ओपन करके वो कर सकते हैं ठीक है अननेसेसरी की अगर आप फालतू की इस तरह से चैटिंग में इन्वॉल्व हो इट वॉन्ट मेक एनी सेंस ठीक है तो आपको वो ऑप्शन अपने आप आपके पास होता है कि वो कमेंट बॉक्स को बंद कर दो या खोल दो ठीक है लास्ट के अंदर मैं आपके डाउट होता हूँ कोई जेन्यून डाउट होता है आपका बता दिया करिए साइंस एंड टेक का क्या है देखो साइंस एंड टेक में ज़्यादा परेशान नहीं होना है साइंस एंड टेक ज्यादातर डायनेमिक है करंट अफेयर ओरिएंटेड है कुछ जनरल साइंस में आते हैं तो एटथ नाइन्थ टेंथ की एन पढ़ लो सेलेक्टिव चैप्टर हैं ट्वेल्थ के वो पढ़ो ठीक है इतना मोर देन सफिशियंट है क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट का एक वेटेज है अभी अगर साइंस एंड टेक का देखें लगभग दस से बारह क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हम वेटेज निकाल रहे हैं लगभग बारह क्वेश्चन के आसपास आपका बन रहा है ठीक है टेन टू ट्वेल्व की रेंज पे आपका घूम रहा है वो एक दो ऊपर नीचे और रहता ही है सो so, हर सब्जेक्ट को उसी हिसाब से लेके चलो ट्राई टू फोकस ऑन दोज बिग बिग सब्जेक्ट्स अगर प्रबलम्स की मैं बात करूँ तो यू हैव दिस एनवायरमेंट थिंग जिसमें करंट का बहुत बड़ा चैलेंज है तो एनवायरमेंट जोग्राफी अगर हम ऐड कर दें ठीक है और फिर इकोनॉमी आप ऐड कर दोगे उसमें तो अगर उसमें स्टैटिक करंट को मिलाते हैं तो ये तीन सब्जेक्ट सिक्सटी परसेंट तक वेटेज लेके जा रहे हैं अकेले गेटिंग दिस देन यू हैव दिस पॉलिटी जो बहुत आसान है कम्पेरेटिवली क्योंकि सिलेबस डिफाइंड है यू हैव दैट स्टैंडर्ड बुक जो बहुत हेल्पफुल है कंपेरिजन किससे कर रहे हैं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से जहाँ पे अगर आप हिस्ट्री करने बैठोगे तो हिस्ट्री एक तरफ पॉलिटी इकोनॉमी और ये जो साइंस एंड टेक ऐसे सब्जेक्ट हैं ये सब एक साथ कर लोगे क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा है क्या हिस्ट्री से पचास क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं पंद्रह से बीस रेंज पर वो फिक्स है और हिस्ट्री में भी अभी क्या ट्रेंड पकड़ रखा है ट्रेंड पकड़ रखा है एनशेंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर और दोनों में करंट पे भी ट्रेंड चिपका रखा है इसने तो वो बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है कि हाँ यार स्टैटिक तो पढ़ लिया ठीक है आर एस शर्मा तो पढ़ ली लेकिन वहाँ से बुद्धिज़्म जैनिज्म के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए अलग से कुछ पढ़ो ठीक है करंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो करंट की आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ो इस तरह से डिकोड अगर आप कर लोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है प्रॉब्लम्स को क्रैक करना ठीक है यू विल बी इन अ कम्फर्ट रेंज टू क्लियर द प्रॉब्लम्स अच्छा वो टॉपिक आपका बच गया यार थैंक्स अलेक्जेंडर ने बताया एक टॉपिक तो आपका बच ही गया एक एडिटोरियल बच गया आ, थैंक्स यार देखो ये काम का कमेंट यहाँ पे आया है आपका एक एडिटोरियल बच गया मैं भी भूल गया था बच्चे भी भूल गए दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक है ना क्या ये कह रहे हैं ब्रिंगिंग बैक द फेथ इन द इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वहां पे जिस तरह से चीजें चल रही है, है ना रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी के बीच में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं क्या वो इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है नहीं है तो ये जो टॉपिक है ये लार्जर कॉन्टेक्स में इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल जो हमारा लैंडस्केप है और उसके जो रिप्रिकशन है डेमोक्रेसी के लिए उसकी बात कर रहे हैं फाइन right. तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं है कंडक्टिव नहीं है लेक ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बहुत ज़्यादा है ठीक है अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यार हमारे को एक तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है टॉर्चर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट्रल गमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा ये एलिगेशन आ रहे हैं एलिगेशन आ रहे हैं सच्चाई है नहीं है वो एक अलग बात है लेकिन एक परसेप्शन तो यहाँ पे है ही है ना सबसे बड़ी बात है कि आपका ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है ठीक है कि हो क्या रहा है जीरो सम एंटागोनिज्म ये क्या मतलब है मतलब यहाँ रूलिंग पार्टी को अगर फायदा हो रहा है तो अपोजिशन पार्टी देख रही है मेरा नुकसान है अपोजिशन पार्टी की अगर बात मान ली जाती है तो रूलिंग पार्टी देख रही है मुझे नुकसान है ठीक है तो ये आप आप आपस में ही अपना खेल रहे हो तो उसका नेट तो जीरो निकल रहा है ना आप इसको देश के मुद्दों से जोड़ के देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रखा जाता है तो यहाँ पे तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है है ना कि आपका फायदा मेरा फायदा मेरा नुकसान आपका फायदा ऐसा कुछ नहीं उन मुद्दों पर कम से कम सहमति बन सकती है एक कॉमन एजेंडा सेट हो सकता है पार्लियामेंट में डिसरप्शन कम हो सकते हैं ये जो ट्रस्ट डेफिसिट या जो डिफरेंसेज हैं ये कम हो सकते हैं ठीक है तो इसी की ये चर्चा कर रहे हैं कि फंडामेंटल पर्पस डेमोक्रेसी का क्या है कि हम ऐसा प्रोसेस क्रिएट करें जिससे जो डिफरेंसेस हैं हमारे ये बातचीत के माध्यम से या उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम हो जाए तो दिस इज द बेसिक फंडा हियर लेकिन अभी हो क्या रहा है इरोजन ऑफ गुड फेथ इन आर पॉलिटिक्स हैज लेड टू माइंडलेस जीरो सम एंटागोनिज्म एंटागोनिज्म फाइन इसका क्या मतलब है अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे uh, जो रूलिंग पार्टी है वो बिल्कुल आगे जा रही है अपोजिशन उसको देखेगी कि नहीं यार इससे इसको फायदा हो जाएगा यहाँ पे रोको या फिर कोई अपोजिशन कोई जेन्यून मुद्दा उठा रही है रूलिंग पार्टीज को तो ये कह रहे हैं कि यार इस तरह से नहीं होना चाहिए ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट भी एक चीज होती है नेशनल इंटरेस्ट भी एक चीज होती है जिससे आपकी पॉलिटिक्स है जिससे आपका जो एजेंडा है चाहे आप पार्लियामेंट में डिस्कशन करो कुछ भी करो वो ड्रिवन होना चाहिए बट द दैड रियलिटीज कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है या हमेशा से ही इस तरह से चीज़ें नहीं थी लेकिन कुछ कॉमन एजेंडा हुआ करते हैं यार जिन पर तो सहमति बन ही जाती है ठीक है लेकिन अभी ऐसा चल नहीं रहा है रेंज ऑफ बिहेवियर काफ़ी सारा ऐसा बिहेवियर हम देख रहे हैं बाय द पार्लियामेंटेरियंस एंड लीडर्स जो कि डेफिनेटली है ना अच्छा नहीं है अगर पब्लिक प्रस्पेक्टिव में बात करोगे डेमोक्रेसी के परस्पेक्टिव में बात करोगे तो अच्छा नहीं है चाहे वो सरकार की तरफ से हो या अपोजिशन पार्टी की तरफ से हो दोनों ही तरफ से इस तरह के बिहेवियर जो है डिजायर्ड नहीं है एंड मस्ट बी चेक ठीक है गवर्नमेंट सब यूज ऑफ स्टेट पावर इसकी मैंने चर्चा करी थी जैसे अभी ईडी का चल रहा है गेटिंग दिस तो वो हो गया स्ट्रेटेजी ऑफ एम्बरेसिंग द गवर्नमेंट देखो अगर आप कहोगे सर ईडी लगा दी कुछ गलत किया होगा तभी तो ईडी लग रही है बात आपकी सही है किसी ने कुछ भी गलत किया है चाहे वो मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर है सीएम है कोई भी है उस पर वो रूल ऑफ द लॉ तो काम करेगा ठीक है देश का कानून लैंड ऑफ द लॉ वो काम करेगा लेकिन यहाँ पे परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वापस सुनना इसको परसेप्शन ये नहीं होना चाहिए कि वो लोग विक्टिम बन वो सामने आए ठीक है लोगों को ये लगना नहीं चाहिए कि जानबूझ के उनको परेशान किया जा रहा है इलेक्शन है या इसलिए ऐसा किया जा रहा है समथिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो एजेंसीज है उनका दुरुपयोग कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए पहले ये सीबीआई वाले केस में होता था लेकिन अभी ईडी का ये चल रहा है ई पे पूरा एक एडिटोरियल डिस्कस किया था क्योंकि केवल ईडी को फोकस करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ठीक है स्ट्रेटजी ऑफ एम्बरेसिंग अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेक्शन ऐसा भी है चाहे उसको सिविल सोसाइटी का सेक्शन कह लो मतलब नॉन गवर्नमेंट एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या फिर एनजीओ कह लीजिए सम काइंड ऑफ अदर मीडिया ग्रुप्स एक्सेट्रा जो कि हमेशा सरकार को क्या करना चाह रहे हैं नीचा दिखाने का ही प्रयास कर रहे हैं इवन अब पर्टिकुलर सेक्शन इज देयर जो कि प्राइम मिनिस्टर को अभी भी एक लेजिटिमेट अथॉरिटी के रूप में नहीं देख रहे हैं हमेशा उनके ऊपर वही अटैक करना हमेशा जिसको कहते हैं जिसको नेगेटिव देखना है वो निगेटिव देखेगा तो दिस इज अगेन नॉट राइट इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल अब यहाँ पे हेल्प कौन कर सकता है लोग कर सकते हैं जो ऐसे इंडिविजुअल्स है जो मॉडरेशन के अंदर काम कर रहे हैं हु वैल्यू सिविलिटी एंड मॉडरेशन है ना? जो एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हैं चाहे एक्सट्रीम लेफ्ट है एक्सट्रीम राइट right है एक्सट्रीम पे नहीं जाके एक मॉडरेशन जिसे हम कहते हैं ना मिडिल पाथ तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं हर पार्टी में ऐसे लोग हैं है ना तो उनको यहाँ पे रोल प्ले करना चाहिए इवन पार्टी जो मेम्बर्स हैं उनको इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठानी चाहिए लेकिन फिर दिक्कत ये आती है कि पार्टी के अंदर सबसे बड़ा क्या है पावर जो सेंटर है वो इंडिविजुअल लीडर्स हैं जितनी भी बड़ी पार्टियों की बात करेंगे किसी भी पार्टी को उठा के देख लो जिस पार्टी का नाम आपके ध्यान में आता है पावर सेंटर वहां पे इंडिविजुअल लीडर्स हैं कुछ लीडर्स हैं उनके हाथ में आपका पूरा का पूरा पावर है और इस वजह से दिक्कत है इसलिए हम चाहेंगे कि इन हाउस जो इलेक्शन है मतलब विद इन पार्टी जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट किया जाए डिसेंटिंग वॉइस हैं उनको भी सम्मान दिया जाए पहले अगर आप देखोगे तो इस तरह से रहता था चीजें इस तरह से रहती थी आ गया समझ में और आज अगर आप कांग्रेस को देखते हो वो अलग है लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंस से पहले वाली कांग्रेस पर जाता हूँ तो आप देखोगे कि कितने अलग अलग विचारधाराओं के लोग है ना उनको उन्होंने एसिमलेट कर रखा था और हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार था वहां पे गेटिंग दिस तो हम चाहें कि हालांकि वो एक आइडियलिस्टिक कॉन्टेक्स में चली जाएंगी चीज़ें लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा वो डेमोक्रेसी इनर पार्टी में भी हो मीडिया का अपना रोल है मीडिया को इन्फॉर्म करना चाहिए है ना लेकिन अभी हो क्या गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन मीडिया का उद्देश्य क्या है कि आपको जो भी फैक्ट्स हैं जो भी इंफॉर्मेशन है बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी अपने ओपिनियन अटैच किए आपको बताई जाए लेकिन आज बहुत रेयर से भी रेयर मान लो कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ओपिनियन के साथ मिल रही है ठीक है वहाँ पे वो अपना ओपिनियन अटैच करके आपको इन्फॉर्मेशन देगा जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा है चाहे वो इस तरफ का है या उस तरफ का है ठीक है तो मीडिया के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे ये कह रहे हैं मीडिया ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे पब्लिक इंटरेस्ट हाईलाइट हो सके इस तरह के मुद्दे हाईलाइट हो सके रादर देन कि वो अपना ओपिनियन वहां पे पहले ही अटैच करें ठीक है उसके लिए तो लोग हैं ना यार उनका खुद का ओपिनियन है उनको बनाने दीजिए बट दिस इज इंडीड नॉट हैपनिंग ठीक है इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये कुछ चीजें हैं जो इन्होंने उठाई हैं रिगार्डिंग द इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड इट्स रिप्रकॉशन ऑन द डेमोक्रेसी इन इंडिया ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट्री बिहेवियर के बारे में डेमोक्रेसी के बारे में ठीक है तो वहां पे आप ये इनपुट्स ले सकते हैं सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस ओके एक्सक्यूज मी रिगार्डिंग द कोर्सेज अभी आपके ये दो कोर्सेज लॉन्च uh, हैं अगर आप चाहें तो इसमें अपना वो ले सकते हैं एनरोलमेंट कर सकते हैं लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है करंट अफेयर का कोर्स 15 तारीख से शुरू हो रहा है दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि विल बी टचिंग हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ द ओरिएंटेड कवरेज इन डेप्थ कवरेज जो मेजर इश्यूज़ हैं उनका और कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं स्पीशीज इन न्यूज़ एसेट्रा वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं सो यू कैन डेफिनेटली रिलाय एज फार एज द करंट अफेयर इज कंसर्न फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज ये नंबर भी आपको दिया है आप इस पर मैसेज कर सकते हैं कोई डाउट है वो पूछ भी सकते हैं इसी तरह से इकनॉमी का कोर्स है दैट इज ऑल्सो देयर है ना उसके लिए भी आप जा सकते हैं रिच मीडियम इज़ बैटर अरविंद ने क्वेश्चन पूछा है आप जिस मीडियम में कम्फर्टेबल हो वही मीडियम बेटर है ठीक है हिंदी मीडियम बस इसमें देखो ये मत सोचना हिंदी मीडियम को डिसडवाटेज है या वो है उसमें यह है कि हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा एक चैलेंज है कि वो जो रिसोर्सेज हैं है ना वो जो अप्रोच है वो आपको पकड़ने की ज़रूरत है और वो जो रिसोर्सेज का रहता है जैसे अगर एडिटोरियल की बात करें तो हम यहाँ पर एडिटोरियल कर रहे हैं अब होता ही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं मेन्स में ठीक है एडिटोरियल से डायरेक्ट ऐसे कैसे आपको लिखने के लिए कंटेंट मिल जाता है ये सबसे बढ़िया बात होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए कि वो हिंदू के एडिटोरियल कैसे कवर करेगा ठीक है तो विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सेशन यू कैन डेफिनेटली डू दिस आंसर आपका एक ग्रुप बना रखा है वहां पर आप शेयर कर सकते हो सो दिस इज ऑल लेट्स रेप ऑफ द सेशन Don't forget to like the session, guys. Okay. This is again very important.